hello students and friends welcome to education ka adda channel and let's read another wonderful story from panchatantra and the title of this uh, story is uh, the royal elephant as you can see here the royal elephant so let's read this story royal रॉयल मींस होता है शाही एलिफेंट या आप तो जानते हैं हाथी इन बसंतपुर देर वॉज अ लोकेलिटी ऑफ कारपेंटर्स वसंतपुर नाम का एक स्थान था लोकेलिटी यानी स्थान जहाँ कारपेंटर लोग रहते थे कारपेंटर यानी बढ़ाई जो लकड़ी का काम करते हैं वो रहते थे देर लिव्ड टू फ्रेंड्स वहाँ दो दोस्त थे मोहन एंड रामू मोहन और रामू नाम का इन दट विलेज उस गांव में वन डे एन एलिफेंट केम दैट वे एक दिन की बात है कि वहां कौन आया एक एलिफेंट आया देखिये यहां पर एन एलिफेंट लिखा हुआ है भाई बिकॉज ई इज वॉवल द साउंड ऑफ एलिफेंट इज ए विच इज वॉवल सो एन इज यूज हर इसलिए यहां पर एन का उपयोग किया गया है एलिफेंट इज कमिंग दिस वे मोहन साइड मोहन ने कहा कि देखिए देखो वहां पर जो है वहां से हाथी आ रहा है वह कैसा कर रहा है लंगड़ा रहा है लंपिंग रहा है perhaps he is in pen, शायद, perhaps का मतलब होता है शायद वह पेन में है पेन यानी होता है दर्द है उसको रामू साइड द एलिफेंट केम क्लोजर एंड एक्सटेंडेज इज इन जर्ड लेक वह

इट हैज गॉन डीप डाउन द फ्लैश यानी उसके मांस में ज्यादा गहरे पर जा घुसा है ये देखिए यहाँ पर एलिफेंट है और दो फ्रेंड मोहन और रामू उसके देखिए यहाँ पर चोट को वो देख रहे हैं निकालने का प्रयास कर रहे हैं टुगेदर दे टुक आउट द बिगनेल क्लिंट द हुड एंड टाइट द बैंडेज टूगेदर होता है साथ साथ दोनों ने क्या किया बड़ा सा नेल लाया और उसको साफ किया यानी सुई लाया और उसको साफ किया ऊंडे ने घाव घाव की जगह पर एंड टाइट द बैंडेज उसको निकाला और वहां पर बैंडेज उसने बांध दिया द ट्रीटमेंट हेल्पड इन द एलिफेंट्स रिकवरी और जो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट यानी उपचार उन्होंने किया था वह हेल्प किया हेल्प यानी क्या होता है सहायता करना मदद करना एलिफेंट रिकवरी यानी एलिफेंट के रिकवरी में रिकवरी यानी स्वास्थ्य लाभ में जो है मदद किया यू पीपल हैव बीन काइंड टू मी आई विल हेल्प यू इन योर वर्क सेट द एलिफेंट देखिए अब एलिफेंट ने क्या कहा कि यू पीपल हैव बीन काइंड टू मी आप लोगों ने मुझ पर दया की आई विल हेल्प यू इन योर वर्क तो हाथी ने कहा कि मैं भी आप लोगों का मदद करूंगा एलिफेंट द एलिफेंट सर्व प्रकार उस हाथी ने उस रामू और मोहन की कई सालों तक सर्व की सर्व यानी सेवा करना देन वन डे द एलिफेंट केम विथ हिज कॉफ तभी एक दिन जो है वह अपने कॉफ को कॉफ यानी बछड़े को यानी अपने एक प्रकार से कहें अपने बेटे को लेकर आया लुक टुडे आवर फ्रेंड हैज कम विथ हिज काफ सेड मोहन मोहन ने कहा कि लुक लुक इन देखो हमारा जो दोस्त है वो आज किसको लेके आया है अपने कॉफ को लेके आया है द कॉफ इज वेरी ब्यूटीफुल और जो उसका बच्चा था वो कैसा था वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर था एब्सलूटली वाइट पूरे सफेद रंग के सफेद रंग सा था कोई भी दाग पर नहीं थे रामू सेठ देन द एलिफेंट सेठ तभी उस हाथी ने कहा आई डो नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ नाउ मेरे पास आई डो नॉट हैव मेरे पास नहीं है इनफ स्ट्रेंथ पर्याप्त ताकत नहीं है नाउ अब मैं बुरा हो गया हूं कहने का मतलब है फ्रॉम टूमारो माई सन विल केम इंस्टीट एंड विल सर्व यू उसने कहा क्या कहा फ्रॉम टुमारो कल से माई सन विल कम मेरा बेटा जो है यहाँ पर आएगा इंसटीड यानी मेरे बदले में मेरा बेटा आएगा एंड विल सर्व और वही आप लोगों की क्या करेगा सर्व करेगा सर्वने होता है सेवा करना हैंस द वाइट काफ केम डेली एंड हेल्पड द फ्रेंड्स अब इस प्रकार जो है वाइट वाला जो एलिफेंट था वो आने लग गया एज इट सो हैपेंड वन डे द एक्सकریٹر ऑफ वाइट एलिफेंट Fell into the river अब एक दिन की बात है ये सब चल रहा था तो जो एक्स एक्सक्रेटा था एक्सक्रेटा का मतलब होता है जो मलमूत्र वो वाइट एलिफेंट का जो था वो कहाँ गिर गया फेल इन टू द रिवर नदी में गिर गया द रॉयल एलिफेंट्स आल्सो बेड द बेड द इन द सेम रिवर और जो रॉयल रॉयल यानी शाही जो हाथी होते थे पहले राजशाही घराने चलते थे राजा महाराजा होते थे तो उनके जो हाथी थे वह भी जो है उसी नदी में नहाते थे रॉयल एलिफेंट रिफ्यूज टू एंटर द वाटर जब उन्होंने दूसरे हाथी के मलमूत्र को देखा तो उन्होंने जो है उस नदी में जाने से इनकार कर दिया रिफ्यूज कर दिया रिफ्यूज होता है मना करना द एलीफेंट ट्रेनर अंडर स्टूड एंड सेट समीफेंट ड्लोर्ड दिस वे उन्होंने कहा जो एलिफेंट कीपर होता है ट्रेनर जो है हाथी सिखाने वाला जो होता है जो महावत है उसने कहा समझ गया कि अरे यहां पर जो है किसी एलिफेंट डंग एलिफेंट का गोबर जो है फ्लो कर रहा है फ्लो याने बहना इसलिए वह नहीं जा रहा है दैट एलिफेंट मस्ट बी नियर उसने कहा कि जो एलिफेंट है अगला जो एलिफेंट वो यही आसपास होगा द किंग वॉज टोल्ड अबाउट द इंसिडेंट इस घटना के बारे में इंसिडेंट यानी घटना घटना के बारे में बताया गया राजा को ही ऑर्डर्ड द सोलजर्स टू गो विथ हिम टू सर्च फॉर दैट एलिफेंट और उन्होंने आदेश दिया कि आप सब लोग जाएं और क्या करें गो विथ हिम एंड सर्च फॉर दैट एनिमल उस एलिफेंट को दैट एलिफेंट को खोज के लाइए आप लोग द सर्च पार्टी सुन साइटेड द एलिफेंट और जल्द ही जो सर्च पार्टी ढूंढने के लिए जो लोग निकले थे उन्होंने जल्द ही उस हाथी को साइट कर लिया साइट कर लिया देख लिया ढूंढ लिया मोहन एंड रामू तब जब उन्होंने बताया तो राजा फिर उनके पास गया उन्होंने देखा कि राजा आ रहा है किंग अरे यह तो राजा है ही वॉन्ट्स अस फॉर समथिंग मोहन सेठ मोहन ने कहा कि वह जो है हमसे जरूर कुछ ना कुछ चाहता है नो इफ इफ द किंग वुड कॉल्ड कोर्ट वाई वुड ही कम पर्सनली रिजल्ट रामू रामू ने कहा नहीं यदिंग किंग को किसी चीज की आवश्यकता होती अस हमारे से ही वुड है कोर्ट वो जो है कोर्ट में हमको बुला लेता वाई वुड ही कम पर्सनली वह क्यों स्वयं चलकर आया है कारण दिया रामो ने वी वॉन्ट टू कीप दिस एलिफेंट द किंग सेट टू मोहन एंड राम वो राजा आए और उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट टू कीप दिस एलिफेंट हम जो है इस हाथी को रखना चाहते हैं उन्होंने रामू और मोहन से कहा द वाइट एलिफेंट सेट टू द किंग तभी उस हाथी ने कहा राजा से आई एम ग्रेटफुल टू दिस पीपल मैं जो है इन हाथियों का कृतज्ञ हूं इन्होंने मेरे पिता की और मेरी भी जो है सहायता की है दे हैव बिन काइंड टू मी उन्होंने आ, हम पर दया की है आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन कंपनिंग यू उन्होंने कहा कि मुझको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपत्ति नहीं है बट यू विल हैव टू रिवार्ड देम लेकिन इसके बदले यदि मैं आप आपके साथ आऊं इसके बदले आपको इनको पुरस्कार देना पड़ेगा द किंग ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स उन्होंने अपने जो अटेंडेंस थे उनके साथ जो गए थे साथी उन उनको कहा दरबारियों को कहा दिस पीपल शुड बी अवार्डेड फोर लैख गोल्ड क्वाइंस राजा ने उनको फोर लेख गोल्ड क्वाइन इनाम दिया द फेयरवेल सीन वॉज हर्ट टचिंग और जो विदाई समारोह था फेयरवेल यानी विदाई सीन यानी दृश्य था वो हर्ट टचिंग था बहुत ही भावुक समय था टीयर्स इन द आईज ऑफ मोहन एंड राम रामू रामू और मोहन दोनों के आंखों से आंसू निकल रहे थे एलिफेंट था वो किंग के साथ चला गया सुन द किंग डेवलप्ड सच अटैचमेंट विथ द एलिफेंट दैट दे लिव टूगेदर सुन सुन एन जल्द ही किंग डेवलप्ड सच अटैचमेंट जल्द ही जो राजा था उसने डेवलप किया निर्माण किया सच अटैचमेंट है ना उसके साथ जो है वह हमेशा रहने लगा उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा एक लगाव सा उनके उनके बीच में जो है एक मधुर संबंध दोनों के बीच में बन गया आफ्टर सम टाइम द क्वीन बिकेम प्रेग्नेंट और कुछ ही समय बाद जो उसकी रानी थी वह जो है प्रेग्नेंट हो गई गर्भवती हो गई इट अपियर्स दैट द एलिफेंट इज वेरी लकी फॉर अस सेड द किंग और जब इस समाचार को उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हाथी अपियर ने प्रकट होना यह हाथी जो है हमारे लिए बहुत ही लकी है दस टाइम बाय इस प्रकार जो समय था वो खुशीपूर्वक जो है बीतने लगा वन डे द किंग सिक तभी अचानक जो राजा था वह बीमार हो गया ही एंड हिज नियर हिज इंड वॉज नियर यानी वो मरने के समय पर आ पहुंचा था अ फ्यू डेज लेटर द किंग डाइट कुछ ही दिन में जो है राजा मर भी गया ही विल नॉट वी विल नॉट टेल द सैड न्यूज टू एलिफेंट सेट द मिनिस्टर उस मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग इस सैड न्यूज को बुरे खबर को एलिफेंट को नहीं बताएंगे मिनिस्टर ने मंत्री ने बताया बट फॉर हाउ लॉन्ग कैन वी हाइड दिस न्यूज फ्रॉम द एलिफेंट वन डे ही विल फाइंड आउट सेट द एलिफेंट कीपर जो एलिफेंट कीपर था एलिफेंट का रखवाला था उसने कहा कि कब तक हम जो है इसको छुपा पाएंगे हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग कैन वी हाइड हाइड एन छिपाना एक ना एक दिन तो जान जाएगा वन डे द किंग ऑफ कौशल अटैक्ड बसंतपुर तभी जो है जो कौशल प्रदेश का राजा था उसने अटैक कर दिया अटैक यानी हमला करना बसंतपुर पर बसंतपुर सफर्ड बिकॉज देयर वॉज नो किंग इन पावर अब बसंतपुर में समस्या ये थी कि वहां कोई राजा नहीं था बिना राजा का था राजा था वो मर गया था तो वी विल रिक्वेस्ट द किंग ऑफ कौशल टू स्टॉप द वॉर फॉर अ वीक एडवाइज द मिनिस्टर वहां के मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है कौशल के राजा से बात करेंगे कि क्या करने के लिए स्टॉप द वॉर फॉर वीक एक सप्ताह के लिए आप टाल दीजिए वट पर्प वुड सर्व आस्ट द कमांडर जब उन्होंने बात की तो कमांडर ने कहा कि ये तुम्हारा क्या काम आएगा वट पर्प वु जो एक हफ्ते का तुम मोहल्लत मांग रहे हो वो क्या काम आएगा तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर द क्वीन विल डिलीवर अ चाइल्ड इन अ वीक्स टाइम उन्हें बताया कि अकॉर्डिंग uh, के अनुसार हमारी जो भविष्य वक्ता है उनके अनुसार रानी जो है एक बच्चे को जन्म देने वाली है और एक समय का सम सब, एक सप्ताह के समय के अंदर वो बच्चे को जन्म देगी इफ इट इज़ अ बॉय यदि वो बच्चा जो है लड़का हो गया वी विल फाइट हम लड़ाई करेंगे और एल्स एक्सेप्ट डिफीट और यदि लड़की होती है तो हम हार मान लेंगे और आपको बिना परिश्रम के ही ये राज्य मिल जाएगा द किंग ऑफ कौशल एक्सीडेड द रिक्वेस्ट और किंग जो वहाँ के राजा थे उन्होंने एक्सीड कर लिया एक्सीड होता है मान लेना उन्होंने मान लिया अच्छा ठीक है अ वीक लेटर द क्वीन गेव बर्थ टू अ ब्यूटिफुल सन और एक सप्ताह बाद जो रानी थी उन्होंने ब्यूटिफुल सन बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया आफ्टर दिस देर वॉज एन इंटेंस फाइट बिटवीन द टू फोर्सेस द किंग ऑफ कौशल वन एक सप्ताह के बाद जब बच्चा हुआ तो उन्होंने लड़ाई की और लड़ाई कैसी थी बहुत ही इंटेंस थी गंभीर थी लड़ाई हुई दोनों फोर्सेस के बीच में बलों के बीच में लेकिन इसमें द किंग ऑफ कौशल वन कौशल प्रदेश वाले जीत गए आफ्टर द बैटल वॉज लास्ट दे ऑल वेंट टू क्वीन जब वो हार गए तो सभी के सभी कहां गए रानी के पास गए द क्वीन कार्ल फॉर द एलिफेंट तभी रानी ने कहा कि अरे चलो जाओ तुम लोग और किसको बुलाओ उस हाथी को बुला के लाओ द एलिफेंट कैम हाथी आया द क्वीन सेट यू आर यू आर लाइक अ ब्रदर टू द किंग नाउ प्रोटेक्ट दिस चाइल्ड उस रानी ने कहा कि अरे हाथी हे हाथी तुम क्या हो तुम तो हमारे राजा के भाई के समान हो यू आर लाइक अ ब्रदर टू द किंग राजा के भाई के समान हो नाउ प्रोटेक्ट दिस चाइल्ड ही अब इस चाइल्ड की इस बच्चे की क्या करो प्रोटेक्ट रक्षा करो द मिनिस्टर एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द एलिफेंट जो मिनिस्टर था उसने सभी घटनाओं के बारे में बताया कि राजा की मृत्यु हो गई है और कौशल प्रदेश वाले हम पर आक्रमण कर दिए हैं द एलिफेंट वॉज रेडी टू गो फॉर गो टू एलिफेंट जो है रेडी हो गया युद्ध में जाने के लिए आफ्टर फाइट और उस हाथी के नेतृत्व में जो है बड़ा घमासान लड़ाई हुई कौशल रेन और हाथी ने इस प्रकार युद्ध किया कि जो जीते हुए राजा थे उनको भागना पड़ा रेन अवे हो गए द विक्टोरियस एलिफेंट कैम्प टू द किंग अब जो विजय हाथी था वो रानी के पास आया ही बोर्ड इन फ्रंट द स्मॉल चाइल्ड एंड सेट आई एम बिरिवड बाई द डेथ ऑफ द किंग जो विजयी हाथी था वो रानी के पास आया और बो किया सिर झुकाया किसके सामने इन फ्रंट ऑफ द स्मॉल चाइल्ड छोटे से बच्चे के पास झुकाया और कहा कि आई एम बिरिवड बाई द डेथ ऑफ द किंग मैं बहुत ही दुखी हूं शोक संतृप्त हूं राजा के मौत से आई विलीव फॉर यू नाउ अब मैं आपके लिए जीऊंगा आपके लिए काम करूंगा आपकी सेवा करूंगा मे यू लिव लॉन्ग उन्होंने कहा कि आप जो है दीर्घायु हो तो इस कहानी का मॉरल देख लेते हैं द रॉयल एलिफेंट प्रूव्ड हिज रॉयलनेस बाय बीइंग लॉयल टू एवरी वन केप्ट हिम प्रॉपरली जो शाही हाथी था उसने प्रूव किया साबित किया क्या साबित किया रॉयलनेस और लॉयल्टी वफादारी जिस किसी ने भी उसकी सेवा की मरते दम तक उसी का साथ देना उसी का काम करना यह जो है उस हाथी ने इस कहानी के माध्यम हम से हमको सीख दिया है कि वन मस्ट बी लॉयल टिल डेथ मरते दम तक आदमी को क्या होना चाहिए वफादार होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है आपकी मदद करता है जिसकी आप खाते हैं उसका हमको गुनगाना चाहिए झूठा गुनगाना नहीं चाहिए जो आपकी सेवा कर रहा है उसके लिए हमको मरते दम तक काम करना चाहिए ये जो है इस कहानी से हमको सीख मिलती है इस प्रकार आइए इसके मीनिंग देख लेते हैं लोकेलिटी यानी इलाका या स्थान विलेज गांव लिम्पिंग लंगड़ा परहेप्स शायद पेन दर्द क्लोजर पास नजदीक एक्सटेंड एने फैलाना इंजर घायल होना लुक देखना नेल कील डीप गहरा फ्लैश मांस टुगेदर साथ-साथ, क्लीन एन साफ करना उंड़ घाव टाई बांधना ट्रीटमेंट, इलाज रिकवरी एने स्वास्थ्य लाभ काइंड प्रकार सर्व एने सेवा करना एप्सलूटली पूरी तरह से इनफ यानी पर्याप्त स्ट्रेंथ यानी ताकत एक्सक्रेटा मलमूत्र फॉल गिरना रिफ्यूज इनकार करना एंटर प्रवेश करना अंडरस्टैंड समझना डंग गोबर फ्लू यानी बहना पानी का इंसिडेंट घटना सोल्जर सैनिक सर्च यानी खोजना वांट यानी चाहना नीड यानी आवश्यकता होना पर्सनली स्वयं ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ ऑब्जेक्शन विरोध कंपनी साथ होना रिवार्ड पुरस्कार अटेंड रास्ते अटेंडेंट यानी रिश्तेदार फेयरवेल विदाई सीन दृश्य टियर यानी आंसू डेवलप विकसित करना अटैचमेंट यानी लगाओ प्रेग्नेंट यानी गर्भधारण करना अपीयर प्रकट होना लकी यानी भाग्यशाली सिक यानी बीमार मिनिस्टर मंत्री हाइड यानी छिपाना अटैक यानी हमला करना रिक्वेस्ट निवेदन करना वार युद्ध एडवाइस सलाह देना पर्पज उद्देश्य कमांडर सेनानायक अकॉर्डिंग यानी के अनुसार एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ता एक्सेप्ट स्वीकार करना डिफीट हार एक्सीड यानी होता है मान लेना इंटेंस गंभीर प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना एक्सप्लेन वर्णन करना सीवियर यानी गंभीर रन अवे भाग जाना विक्टोरियस विजयी बो यानी सर झुकाना शोक संतृप्त रॉयल राजशाही प्रूव यानी साबित करना रॉयल वफादार डेथ या मृत्यु यानी शोक संतृप्त यहाँ पे रिवार्ड में आरई डब्ल्यू ए आर डी इसको सुधार लेंगे आप लोग तो इस प्रकार वीडियो यहां पर समाप्त होता है यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें धन्यवाद